हेलो फ्रेंड्स, हमें खुशी है कि काफ़ी स्टूडेंट इंडिया से कनाडा पहुंच रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट स्टडी बेस पे जा रहे हैं और काफ़ी वर्क परमिट पे जा रहे हैं। तो वहां जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो कंट्री उनके लिए नया है। तो आपको पता ही है कि इंडिया और कनाडा में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। वहाँ जाकर उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो फ्रॉड से बच सकें। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप कनाडा पहुँच गए हैं तो वहाँ पर आप अपना सेलफोन यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि वो सेलफोन आप ही यूज़ करें, किसी और को उसे यूज़ करने ना दें। आपको आपके फ़ोन के ऊपर काफ़ी फ्रॉड कॉल आ सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कि कोई कहे कि आपने कनाडा सरकार के साथ फ्रॉड किया है, तो आपने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है। हम सर्विस कनाडा से बोल रहे हैं, आपको इतनी धनराशि हमारे अकाउंट में डालनी पड़ेगी या फिर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप जुर्माना नहीं भरते तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसी कॉल फ्रॉड होती हैं, आपने इन बातों में नहीं आना। जब आप फ़ोन काटोगे तो वापस जब आप फ़ोन करोगे तो आपका नंबर नहीं लगेगा, तो इट मीन्स ये जो कॉल आपको आई थी ये फ्रॉड कॉल है। तो आप उस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए। इन ऐसी कॉल से आपको बचने की ज़रूरत है। अगर आप इनकी बातों में आ जाओगे तो आपका पैसा जा सकता है। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। कई बार होता है कि आपको अमेरिका के एड्रेस से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी लॉटरी निकली है और आपके बैंक खाते में हमने डालनी है, इसलिए आपके बैंक का अकाउंट नंबर दे दीजिए। या फिर बैंक का खाते में डालने के लिए आपका टैक्स भरना ज़रूरी है, आप टैक्स पे कर दीजिए। तो कभी भी अपना बैंक खाता किसी को ना दें। अगर आप अपना बैंक खाता किसी को दोगे तो जितने आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे वो सारे चले जाएंगे। तो ऐसी फ्रॉड कॉल से और ऐसी बातों से आपने अवेयर रहना है, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। कनाडा में क्या है, आपने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो आपने क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अपना क्रेडिट कार्ड आप ही यूज करें, किसी और को यूज करने के लिए ना दें, क्योंकि कोई और पर्सन भी आपके कार्ड की डिटेल भर के शॉपिंग कर सकता है और आपके पैसे का लॉस हो सकता है। सो आपके साथ हेराफेरी हो सकती है। सो आपको अपने क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री किसी के साथ भी शेयर ना करें, कोई डिटेल किसी को ना बताएं। कनाडा में अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, अपना सेलफोन है, तो ये पहला रूल है, आप अपनी गाड़ी भी आप यूज़ करें और अपना सेलफोन भी खुद ही यूज़ करें, किसी और को यूज़ करने के लिए ना दें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मोस्टली कनाडा में क्या होता है, जिस भी एम्प्लॉयर के पास आप जॉब करते हो वहाँ पर आपकी जो मंथली पेमेंट है, आपकी सैलरी जो दी जाती है, या तो चेक के थ्रू दी जाती है या फिर बैंक में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है, काफ़ी स्टूडेंट कैश पे काम करते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी कैश की जो पेमेंट है रूटीन में लेते रहिए, उसे इकट्ठा ना कीजिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयर से आप इकट्ठे पैसे नहीं ले सकते। तो जितना आप काम कर रहे हैं उसकी अगर आप कैश में पेमेंट ले रहे हैं तो उसको साथ साथ लेते रहिए। जो नए स्टूडेंट कनाडा में जा रहे हैं उनको ये बात नोट करनी चाहिए कि वहाँ पर 3 महीने के लिए जो लोकल स्टूडेंट हैं उनकी छुट्टियाँ होती हैं, तब वहाँ पर नौकरी मिलने के आसार कम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कनाडा में क्या है, मोस्टली जो सैलरी मिलती है वो घंटों के हिसाब से मिलती है, तो घंटों के हिसाब से आपने काम करना होता है। तो कोशिश करें कि अपनी जॉब के ऊपर आप सेलफोन यूज ना करें, ना ही बात करें और ना ही चैटिंग करें। इस बात को आपने अवॉइड करना है कि हमने काम के ऊपर सेलफोन यूज नहीं करना। इवन कि आप क्लास लगा रहे हैं तो क्लास में भी आपने फ़ोन यूज नहीं करना और ना ही चैटिंग करनी है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हैं और आपको देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप कनाडा में काफ़ी जगह रिवर्स बनी हुई हैं, लेक्स बनी हुई हैं, तो वहाँ पर अगर आप नहाने के शौकीन हैं, पानी में जाने के शौकीन हैं, तो लाइफ जैकेट का प्रयोग ज़रूर करें। लाइफ जैकेट के बिना पानी में जाना खतरनाक हो सकता है।
अगर आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है तो आप जहाँ भी जिस भी रिवर के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको रेंट पे भी लाइफ जैकेट मिल सकती है, तो आप रेंट पे लेकर भी पहनिए और फिर पानी के अंदर जाइए, क्योंकि पिछले साल 2-3 साल में देखा गया है कि काफ़ी स्टूडेंट लेक के अंदर चले गए, लाइफ जैकेट यूज़ नहीं की, इसी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने लाइफ जैकेट को का प्रयोग करके ही पानी में जाना है। इवन कि जब आप सड़क क्रॉस करते हो तो भी, अगर आप पब्लिक बसेस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो तो भी आपने सेलफोन यूज़ नहीं करना, वहाँ पर ज़्यादा सेलफोन यूज़ करने की मनाही है, ऊंची आवाज़ में आप बात नहीं कर सकते, इसे अच्छा नहीं माना जाता। इवन कि अगर आप रोड के ऊपर पैदल चल रहे हो तो भी आप सेलफोन कम यूज़ करें अगर तेज़ हवा चल रही हो। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, एक स्टूडेंट रोड के ऊपर चल रहा था, फ़ोन यूज़ कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन में इतना मगन था उसे पता ही नहीं चला कि तेज़ हवा चल रही है, और एक ट्री गिरा और उसके ऊपर आके गिर गया, इसी वजह से उस स्टूडेंट की मौत हो गई। तो ऐसी गलतियां ना करें, जब आप पैदल भी चल रहे हो तो भी आप सेलफोन कम यूज़ करें। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आपके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो, आपके साथ धोखा ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो बच्चे कनाडा अभी चले गए हैं या फिर जाना चाहते हैं, वो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बच्चे गलतियां ना करें वहां तक। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे कनाडा ऑफिस में बात करना चाहते हैं, कनाडा के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कनाडा ऑफिस का नंबर नोट कर सकते हैं, 1604-765-5008। इस नंबर पे आप दिन के टाइम कनाडा में संडे के दिन आप बात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। और अगर आप पटियाला ऑफिस में हमारे इंडिया में बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए, 9888-295-000। इस नंबर पे भी आप इंडिया में ऑफिस में बात कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।